तो यार जो तैयारी हम लोग अभी तक कर रहे हैं ये जब ही काम आएगी जब आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू शेड्यूल करना आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क बन चुका है बिकॉज समटाइम्स करियर पोर्टल्स पे ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट्स लिखे होते हैं इतना ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस मांगा होता है एंड इवन इफ यू अपलाई रेज्यूमेर शॉर्ट लिस्ट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है ठीक है सो देर इज एन अल्टरनेटिव काफी अच्छा अल्टरनेटिव है ये कॉल्ड री लेवल यहाँ पर आपको जाकर री लेवल टेस्ट देना है बेसिकली तीन प्रोफाइल है बिजनेस डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल किसी प्रोफाइल पर जाना टेस्ट दे देना तो अब जो भी इस टेस्ट का स्कोर होगा दैट विल रियली गुड स्टार्टअप ठीक है एंड दे आर गोइंग टू अप्रोच यू ऑन बेसिस ऑफ दिस स्कोर ठीक है, really है आपको कुछ नहीं करना बस आपको अब अपने इंटरव्यू का वेट करना है तो अब इस टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप लोग वहां पर जा सकते हैं एंड अपना टेस्ट शेड्यूल करा सकते हैं स्पेशल होने वाला है बिकॉज इट इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीज़न नंबर वन अच्छा अब यहाँ पर सीजन ऐसे नहीं होंगे कि एक सीज़न अभी आ गया तो एक सीजन बहुत महीनों बाद आएगा यहाँ पर ऐसा नहीं है नेक्स्ट सीजन रिकॉर्ड हो चुका है तैयार हो चुका है इट विल बी रिलीज एज सुन एज यू कम्प्लीट दिस सीजन इस सीजन में आपके इलेवन एपिसोड हैं ज्यादा है नहीं सो जस्ट गो थ्रू दैमऑल एंड जस्ट लेट मी नो कि आपने ये सारे एपिसोड्स कवर कर लिए हैं जैसे ही आप मुझे बता देंगे मे बी टुडे मे बी टुमारो मे बी आफ्टर थ्री फोर डेज आई विल भी अपलोडिंग द नेक्स्ट सीजन तो मुझे आप बताएंगे कैसे मुझे बताने के लिए वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियोज विच यू हैव वॉश्ड एंड जिनके कोड आपने कर लिए हैं ठीक है जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट यू हैव डन दीज वीडियोज एंड यू यू हैव कंप्लीटली वॉच दीज वीडियोज एंड यू आर एबल टू अंडस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग ठीक है जैसे ही मेरे पास कुछ रिस्पॉसिस आ जाएंगे आई विल भी अपलोडिंग द नेक्स्ट सीजन चाहे मुझे वो आज ही शाम को क्यों ना करना पड़े ठीक है सो लेट्स मू वॉन्ट टू द क्वेश्चन नाउ अब हमने लास्ट एपिसोड में देखा हाउ टू तो रिवर्स अ लिंक लिस्ट हमने रिवर्स करने के दो तरीके देखे एक तरीका था हमारा रिकर्सिव एक तरीका था हमारा आईटरेटिव ठीक है आईटरेटिव वाला थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव था रिकर्सिव वाला थोड़ा सा ईजी था लिखने में बट हाँ उसमें रिकर्शन इन्वॉल्व था ठीक है रिकर्शन इज अ मस्ट नो थिंग राइट चाहे वो आपका लिंक लिस्ट हो चाहे ट्रीज हो चाहे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो रिकर्जन इज अ मस्ट नो थिंग मुझे लगता है अगली सीरीज़ मुझे रिकर्जन पे ही लानी चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको किस टॉपिक पे अगली सीरीज़ चाहिए बाई द वे लेट इस क्वेश्चन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सो बेसिकली हेर वी आर गिवेन अ लिंक लिस्ट अब इस लिंक लिस्ट को हमें रिवर्स करना है इन ग्रुप्स ऑफ के ठीक है के के साइज के ग्रुप्स में वी हैव टू रिवर्स दिस लिंक लिस्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी तो यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में हमें एक लिंक लिस्ट गिवेन है यहाँ पर मेरे पास पांच नोट हैं uh, नोट की वैल्यू है वन टू थ्री फोर फाइव रिस्पेक्टिवली एंड इन नोट्स का कुछ एड्रेस भी गिवेन है ठीक है एड्रेस का रीजन क्यों है लेने का वो मैं अभी आपको बताऊँगा तो बेसिकली बाई रिवर्सल इन ग्रुप ऑफ के मीन्स मुझे यहां पर के टू गिवेन है इसका मतलब दो दो के ग्रुप में मुझे लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देना है ठीक है तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के दो नोट उठाए नोट नंबर वन नोट नंबर टू और उनको रिवर्स कर दिया रिवर्स करने के बाद क्या होगा टू एंड वन वन टू का हो जाएगा टू एंड वन लेकिन एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली यह है कि मैंने वैल्यूज को स्वैप नहीं किया है आई हैवेंट स्वैप दैल्यू ऑफ वन विद द वैल्यू ऑफ टू मैंने स्वैप नहीं कर दिया वैल्यू को मैंने उनको एक्चुअल में रिवर्स कर दिया है नोट्स को रिवर्स कर दिया है ठीक है इसका पता कैसे चलता है इसका पता चलता है एड्रेसेस से तो जो नोड जिसमें वैल्यू वन थी उसका एड्रेस टू हंड्रेड था राइट आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर नोड ये पर्टिकुलर नोड स्वैप होकर आ गई है यहां पर ठीक है एंड ये वाली नोट स्वैप होकर आ गई है यहां पर वी हैव एक्चुअली स्वैप्ड द नोट्स नॉट द वैल्यूज इन साइड दी नोट अगर मैं वैल्यू को स्वैप करता ना तो ये टू हंड्रेड वाली यहीं की यहीं रहती और हंड्रेड वाली यहीं की यहीं रहती बस इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में स्वैप हो जाती ठीक है सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच ये मैंने लास्ट एपिसोड में भी थोड़ा डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल नाउ लेट लेटेज सी हाउ वी कैन परफॉर्म दिस रिवर्सल यहाँ पर भी मैं दो तरीके डिस्कस करने वाला हूँ ठीक है दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लोग रिकर्जन से इसको कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई बहुत आ गया हमें तो क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है दिस क्वेश्चन इज क्लासिफाइड एज हार्ड तो कुछ तो इन्वॉल्व होगा इसके अंदर ठीक है हमने ऑलरेडी रिवर्सल ऑफ ऑन इंग्लिश पढ़ लिया है तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा बट देर इज समथिंग इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन और वो चीज काफी ज्यादा लोग मिस कर देते हैं बिकॉज सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया रिकर्जन से कर दोगे सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा ठीक है बट ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो अभी आपको बताएंगे इंटरव्यूज में वाई डू दे एक्सपेक्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन जस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो ठीक है पहले तो हम लोग इसको रिकर्जन से ही करेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग बेसिकली हम छोटा काम करेंगे रिकर्जन से ज्यादा काम करवाएंगे ठीक है छोटा काम मतलब अब इसने बोला है कि दो दो के साइज में लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो अब के वैल्यू कुछ भी हो सकती है राइट इट इज टू हेयर इट कुड भी थ्री फोर फाइव तो जो के साइज की लिंक लिस्ट है उसको मैं रिवर्स कर दूंगा बाकी काम मैं रिकर्जन से करवा लूंगा ठीक है गॉट इट तो मैं रिकर्जन से कहूंगा कि यार रिकर्जन ये दो साइज की लिंक लिस्ट ना इसको मैं रिवर्स कर लेता हूं बाकी यहां से लेकर यहां तक की लिंक लिस्ट को तुम रिवर्स करवा लाओ पूरा रिवर्स नहीं के के साइजेस में रिवर्स करवा के लाओ ठीक है

फोर थ्री एंड फाइव वाई बिकॉज थ्री फोर आपस में स्वैप हो गए ठीक है एंड फाइव एज इट इज रहा फाइव एज इट इज रहा बिकॉज uh, वो तो के साइज का बन ही नहीं रहा है ग्रुप राइट ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को समझने के लिए अब लेट अस से मैंने सारे ग्रुप बना दिए ठीक है स्टार्टिंग से मैंने के साइज का ग्रुप बना दिया ग्रुप नंबर वन दिस इज द ग्रुप नंबर टू दिस इज द ग्रुप नंबर थ्री अब लास्ट में लेट अस से ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पाया के नंबर ऑफ नोड्स नहीं आ पाए जैसे इस वाले केस में नहीं आ पा रहे हैं राइट ज द्रुप नंबर वन दिस द्रुप नंबर टू ग्रुप नंबर थ्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो कंप्लीट नहीं हुआ है ना ग्रुप उसको छोड़ दो उसको रिवर्स नहीं करना ठीक है वी कैन जस्ट स्किप दैट पर के अगर होता ना, के अगर अगर होता होता ना तो मैं साइज का पहला ग्रुप बनाता और दूसरा ग्रुप कितने साइज का बचता बच दूसरा ग्रुप बन ही नहीं पाता दो साइज का बनता हुआ वो बन ही नहीं पाता तो पहले वाले को रिवर्स करा देता दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ देता ठीक है ये चीज क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरीके से डिफाइंड है आई एम जस्ट क्लियरिंग यू द क्वेश्चन अब होगा क्या कि रिकर्जन ये काम करके लाने वाला है कैसे करके लाने वाला है इसके लिए थोड़ा बहुत आपको रिकर्जन खुद से समझना पड़ेगा रिकर्जन थोड़ा बहुत आना चाहिए एक्चुअली हम एक फंक्शन बना रहे हैं दैट फंक्शन इज टू टू स्वैप रिवर्स दिस लिंक लिस्ट इन ग्रुप्स ऑफ एक फंक्शन एफ है दैट फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिवर्स दिस लिंक लिस्ट इन ग्रुप्स ऑफ के नाउ वी आर राइटिंग दैट फंक्शन उस फंक्शन की हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं कि हाउ दैट फंक्शन इज गोइंग टू वर्क ठीक है तो हाउ दैट फंक्शन इज गोइंग टू वर्क अब वही सेम फंक्शन मैं इतनी लिंक लिस्ट को भी तो रिवर्स करने के लिए यूज करवा सकता हूं ठीक है अगर एक फंक्शन मैंने बना दिया जो कि यहां से यहां तक की लिंकलिस्ट को रिवर्स कर रहा है इन ग्रुप्स ऑफ के तो फंक्शन यहां से यहां तक की लिंकलिस्ट को भी तो रिवर्स कर देगा इन ग्रुप ऑफ के तो मैं वही काम उस फंक्शन से करवा लूँगा मैं मानूंगा कि ये फंक्शन चलता है ठीक है दिस फंक्शन वर्क्स एक्चुअली वर्क्स मैं मानूंगा ये ठीक है मानने के बाद उसी फंक्शन से मैं इतनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करवा लूँगा करवाने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी ठीक है आई विल गेट दिस थिंग अब ये चीज़ आने के बाद मेरी जो स्टार्टिंग की नोड है वन वो तो वन ही रहेगी ठीक है और टू वाली टू ही रहेगी इसको मुझे रिवर्स करवाना पड़ेगा इसको मुझे मैनुअली रिवर्स करवाना पड़ेगा ठीक है तो बेसिकली ये ये मेरी है, ये मेरी स्टार्टिंग स्टार्टिंग पोजीशन 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 है 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 एंडिंग एंडिंग से लेकर का रिवर्स करवाने वाला काम मेरा है, ठीक है वो मैं रिवर्स करवा दूंगा मेरे पास दो तरीके रिवर्स करवाने के एक तो रिकर्जन वाला और एक आइट्रेशन वाला मैं आइट्रेशन वाला यूज करके करवा दूंगा इसको रिवर्स ठीक है रिवर्स करने के बाद ये हो जाएगा रिवर्स और वैल्यूज यहां पर आएंगी टू एंड वन और इनके एड्रेसेस टू हंड्रेड ये हो गई रिवर्स होने के बाद कनेक्शन भी बनेगा इनके बीच में ये उपस, ये ये वाला वाला से बनाते हैं ये वाला connection बनेगा ठीक ठीक है है बन गया ने ने कितना काम किया? Recursion ने इतना काम किया किया इतना हमने कितना काम किया हमने इतना काम किया के साइज के लिंक मैंने रिवर्स करवा दिया बाकी का काम रिकर्जन ने कर दिया अब मुझे इन दोनों को अटैच कर देना बहुत ज्यादा सिंपल है तो रिकर्जन ने जो काम किया ठीक है ये काम रिकर्जन के द्वारा किया गया था अब रिकर्जन ने मुझे क्या ला दिया रिकर्जन ने मुझे इसका एड्रेस ला दिया होगा द पॉइंटर टू फोर ला दिया होगा बिकॉज फोर इज दी हेड रिकर्जन ने इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करवाया बची हुई को इन ग्रुप्स ऑफ के एंड उसके बाद फोर हेड बना तो इसका एड्रेस मेरे को ला दे दिया होगा ठीक है दैट एड्रेस मे बी स्टोर्ड इन सम वेरिएबल वेरिएबल का नाम मैं क्या दूँ मैं इसका नाम दे देता हूँ

दिस वॉज uh, अच्छा मेरा स्टार्ट एंड भी तो चेंज हो चुका है अब मेरा स्टार्ट एंड भी तो चेंज हो चुका है बिकॉज मैंने इनिशियली स्टार्ट माना था वन को एंड माना था टू को अब मेरा स्टार्ट एंड यहाँ पर पहुँच चुका है दिस इज़ माई एंड दिस इज़ माई स्टार्ट रिवर्स उसको uh, वो करवा दिया ना रिवर्स करवा दिया इसलिए जो जो स्टार्ट जो शुरू में था वो लास्ट में पहुँच गया और जो एंड लास्ट में था वो स्टार्टिंग में पहुँच गया अब फाइनली इनका कनेक्शन बनाना है तो इसका कनेक्शन बनाने के लिए सिंपल है आप लोगों को भी दिख रहा होगा एस का नेक्स्ट एस को किससे जोड़ दूंगा एस का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू नेक्स्ट हेड ठीक है नेक्स्ट हेड ये वाला कनेक्शन जुड़ जाएगा ठीक है हो गया हमारा फाइनली अब फाइनली हमें रिटर्न क्या करवाना है हमें रिटर्न करवाना है ये चीज क्योंकि ये नया हेड है ठीक है वी हैव टू रिटर्न दी हेड ये नया हेड बन चुका है सो वी हैव टू रिटर्न ई दैट्स इट काफी सिंपल है लेटस गो एंड ट्राई टू कोड दिस आउट ठीक है चलते हैं ऑलराइट तो सबसे पहले एक चीज तो ये है कि अगर हेड नल है हेड इज इक्वल टू नल तो आप किस चीज को रिवर्स करवाओगे किसी को नहीं रिवर्स करवाओगे अगर हेड सिंगल है ठीक है अब सिंगल टेबल उसकी बात नहीं कर रहा है मैं अगर हेड सिंगल है मतलब एक ही अकेली नोड है हेड में ठीक है हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल मतलब हेड के आगे कुछ भी नहीं है हेड एक अकेली नोड है ठीक है सोलो है तो यहां पर मुझे रिवर्स करवाने मतलब रिवर्सल यहां पर कुछ मायने नहीं रखता देर इज नो मीनिंग ऑफ रिवर्सल रिवर्सलर ठीक है रिवर्सल एक अकेली नोट को क्या ही करेगा और एक और कंडीशन हमारी अगर के इक्वल टू है के इक्वल टू मतलब वन वन के ग्रुप्स में लिंक लिस्ट को रिवर्स करो उसका मतलब यह है कि रिवर्स ही मत करो लिंक लिस्ट को ठीक है उसका मतलब यही होगा ना कि एक एक ग्रुप में रिवर्स करोगे तो मतलब क्या ही रिवर्स करोगे आप राइट अगर के इक्वल टू बना है ये तीन कंडीशन में आई एम गोइंग टू डू नथिंग रिटर्न हेड जो है उसको रिटर्न करा दो, ठीक है? डन। अब आगे क्या करने वाले हैं हम लोग आगे मैं लूंगा मुझे पता है कि मुझे, के का जो है, के का वो मुझे अपने आप करवाना है रिवर्स, बाकी का काम करके लेके, करके लिख आएगा, तो यहां पर मुझे दो पॉइंटर बनाने पड़ेंगे एक स्टार्ट पॉइंटर एक एंड पॉइंटर ठीक है अब स्टार्ट पॉइंटर एंड पॉइंटर आपका जो के साइज का लिंक लिंक लिस्ट है उसको होल्ड करेंगे मुझे वो रिवर्स करोट स्टार एस एस इज इक्वल टू हेड ये तो हो जाएगा हेड के बराबर स्टार्टिंग वाला पॉइंट ठीक है और एंडिंग वाला पॉइंट हो जाएगा हेड से कुछ स्टेप्स आगे ठीक है कितने स्टेप्स आगे वो हम अभी देखेंगे तो उसको मैं अभी तो अभी तो उसको मैं हेड से ही निशलाइज कर दूंगा ठीक है बाकी मैं उसको कुछ स्टेप्स आगे बढ़ा दूंगा बाद में एंड इज ऑल्सो इक्वल टू हेड कर दिया उसके बाद कितने स्टेप आगे होना चाहिए ये एंड पॉइंट ये होना चाहिए बेसिकली स्टार्ट एंड एंड के बीच में इंक्लूडिंग स्टार्ट एंड एंड का होना चाहिए तो मुझे को क्योंकि एंड स्टार्ट एक ही पोजिशन पे एंड को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा कितनी बार के माइनस वन बार ठीक है बोर्ड भी चलना चाहते हो तो चलो बोर्ड भी चल के बता देता हूं तो इनिशियली यही स्टार्ट था यही एंड था ठीक है फिर मैंने एंड को आगे बढ़ा दिया कितनी बार k माइनस वन बार तो k माइनस वन बार जब मैं एंड को आगे बढ़ाऊंगा ना तो मतलब k यहाँ पर टू है k माइनस वन इज वन तो एक ही बार आगे बढ़ाऊंगा तो एंड आ जाएगा यहाँ पर एंड इट इज करेक्ट इट इज़ करेक्ट मतलब एक ही बार आगे बढ़ाना चाहिए वेन k इज इक्वल टू टू जब k थ्री होगा तो दो बार आगे बढ़ाना चाहिए दैट इज वाई आई हैव टू इंक्रीमेंट इट k माइनस वन टाइम्स तो यहाँ पर मैं आई एन सी इंक्रीमेंट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको मैं k माइनस वन दूंगा ठीक है एंड वाइल दिस आई एन सी इंक्रीमेंट दिस माइनस माइनस उतनी बार मैं अपने एंड को आगे बढ़ा दूंगा एंड इज इक्वल टू एंड का नेक्स्ट करके ठीक है ऑल राइट अब यार एक केस ध्यान में आ रहा होगा आपका मैंने एक केस डिस्कस किया था कि लेट अस से कुछ नोट्स बची हैं के है आपका फाइव अब लास्ट में चार नोट बची हैं तो वो तो पूरा ग्रुप नहीं बना पाएंगी लास्ट की चार नोट ठीक है फाइव साइज का ग्रुप नहीं बना पाएंगी इन दैट केस मैं जब एंड को आगे बढ़ाऊंगा ना तो बीच में ही आपका जो एंड है वो नल हो जाएगा ठीक है दैट विल बिकम नल फिर मुझे उसके बाद उसको आगे नहीं बढ़ाना है उसके बाद मुझे उसको आगे नहीं बढ़ाना है तो बेसिकली अभी करंटली मेरे पास जो हेड है ठीक है मेरे पास जो करंटली हेड है और वहां से लेकर के एंड तक का जो साइज है वो के के बराबर नहीं है द लिंक लिस्ट इज शॉर्ट छोटा लिंक लिस्ट है इन दैट केस यू डोंट हैव टू रिवर्स दैट लिंक लिस्ट एट ऑल मैंने बताया था आपको उस केस में रिवर्स नहीं करना है सो so, अगर ये करते करते आपका जो एंड है इट बिकम्स इक्वल टू नल

शॉर्ट होती होती आई हो या फिर डायरेक्टली आ गई हो ये मत सोचना कि सिर्फ उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में हमारी लिंक लिस्ट की साइज कैसे कम है तभी ये चीज अप्लाई करती है ये चीज जब भी अप्लाई करती है जब आपकी लिंक लिस्ट की साइज बड़ी थी बट उसके ग्रुप चुके हैं एंड फाइनली रिकर्जन कॉल होते होते यहां पर आया है अब के साइज अब अब जो लिंक लिस्ट की साइज है वो कैसे छोटी रह गई है इन दैट केस ऑल्सो रिटर्न ठीक ऑल राइट आगे बढ़ते हैं चलो ये तो मैंने करवा दिया उसके बाद मुझे क्या करवाना है उसके बाद मुझे परफॉर्म करना है रिवर्सल रिवर्सल so, परफॉर्म करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपना आइट्रेशन वाला मेथड बट मैं उसके लिए अलग फंक्शन बना लूंगा जैसे कि मिक्स ना हो कोड ठीक है काफी ज़्यादा मिक्स हो जाता है इसलिए मैं अलग फंक्शन बना रहा हूं ठीक है दैट फंक्शन विल बी ऑफ टाइप टाइव कुछ तो करना नहीं है करना तो है हेड रिटर्न करवाना है वहां से नहीं कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले केस में कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई विल शो यू बाय सो रिवर्स लिस्ट नोट स्टार एस एंड लिस्ट नोड स्टार ई बेसिकली मेरे पास ये दो स्टार्ट एंड एंड है यहां से इन स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे को रिवर्सल परफॉर्म करवानी है ठीक है तो वही मैं तीन पॉइंटर बनाऊंगा ठीक है अभी यहाँ पर देखो कंफ्यूज होना मत क्योंकि प्रॉब्लम बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं अगर इस चीज में कन्फ्यूज हुए कि मैं तीन पॉइंटर क्यों बना रहा हूँ रिवर्सल कैसे हो रहा है तो लास्ट एपिसोड देख लो जाके लास्ट एपिसोड नंबर टेन जाके देखो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है यहां पर मैं बनाने वाला हूं मैं तीन पॉइंटर बनाऊंगा एक होगा प्रीवियस विल बी इक्वल टू नल एक होगा मेरा करंट विल बी इक्वल टू स्टार्ट और एक होगा मेरा नेक्स्ट विच विल बी इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट इस तरीके से इनको तीनों को इनिशियलाइज कर दूंगा ठीक है अब वही सेम चीज परफॉर्म करनी है एक वाइल्ड लूप लगाना है वाइल्ड लूप के अंदर कुछ कंडीशन होगी मैं बताऊंगा अभी क्या होगी करना क्या है करंट का next is equal to previous previous is equal to current current is equal to next and next is equal to next ka next ठीक आल्सो यहां पर एक कंडीशन भी लगती है अगर आपको याद हो लास्ट एपिसोड से तो ये कंडीशन भी लगती है कि इफ n इज नॉट इक्वल टू नल देन ओनली डू दिस अदरवाइज डोंट डू दिस करोगे तो आपका अरे यार मैं कर क्या रहा हूं करके रहा हूं एन एल एल जावा स्क्रिप्ट और अपना सी प्लस प्लस मिक्स कर दिया मैंने चलो इफ एन इज नॉट इक्वल टू नल देन ओनली परफॉर्म दिस ऑपरेशन तो यहां पर ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए बिकॉज इफ एन बिकम्स नल तो एन का नेक्स्ट कुछ नहीं होता है तो ये चीज़ आप इस तरीके से हैंडल करेंगे ठीक है ऑल राइट ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया अब ये कब तक चलाना है मुझे ये चीज़ मुझे कब तक चलानी है तो बेसिकली जो टेंथ एपिसोड में मैंने कंडीशन लगाई थी दैट करंट इज नॉट इक्वल टू नल करंट इज नॉट इक्वल टू नल वाली मैंने कंडीशन लगाई थी ठीक है तो वो जब एग्जिट होता है जब करंट हमारा नल हो जाता है दैट जो हमारा P है, previous, वो हमारा पी है प्रीवियस वो लास्ट वाली नोट पे होता है एंड हमारा करंट नल हो जाता है तब वो एग्जिट करता है यहां पर भी हम सेम कंडीशन लगाने वाले हैं वेन अब मुझे पता नहीं है कि मेरा करंट नल होगा या नहीं होगा बिकॉज लिंकलेस और भी लंबी हो सकती है बाद में बट हम तो सिर्फ के के साइज पे काम कर रहे हैं ना

इज़ नॉट इक्वल टू लास्ट मतलब कि एंड वाइल प्रीवियस इज़ नॉट इक्वल टू एंड तब तक ये करते रहो फाइनली जब फाइनली uh, जो मेरा हेड होगा ना दैट विल बी इक्वल टू प्रीवियस तो मैं यहाँ से रिटर्न हेड करवा सकता हूँ मतलब प्रीवियस करवा सकता हूँ बट मैंने वाइड बनाया फंक्शन मेरे को जरूरत भी नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी नो मुझे नीचे ही पता है जब मैंने फंक्शन को कॉल किया ना रिवर्स वाले फंक्शन को तभी मेरे को पता है कि जो मेरा एंड है वो अब हैड होने वाला है ठीक है तुम तो कुछ रिवर्स करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ से बस इस फंक्शन को कॉल कर लो और ई वी आर एस ई और ई वी ई आर एस ई रिवर्स इसमें स्टार्ट पास करो इसमें एंड पास करो ठीक है ये हमारा रिवर्स हो गया फाइनली जो हमारा हेड है वो हमारा ई e है और जो हमारा लास्ट नोड है वो हमारा एस बन चुका है ठीक अब इसके बाद इसके बाद आई रिकर्जन की बारी मतलब रिकर्जन मैंने तो अपना काम करवा दिया अब तुम्हारी बारी आई है ठीक है रिकर्जन को कॉल करेंगे तो रिकर्जन कॉल करने के लिए हम अगेन सेम फंक्शन कॉल करने वाले हैं दैट इज रिवर्स के ग्रुप रिवर्स के ग्रुप क्या करिएगा यहां पर आप जो भी पास करेंगे ना इसके अंदर ये उस नोड से लेकर के एंड तक लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देगा इन ग्रुप ऑफ के यही इसका काम है ना यही इसकी फंक्शनैलिटी है जो कि मैं अभी लिख रहा हूं इन प्रोसेस ऑफ इन प्रोसेस हूं मैं लिख रहा हूं उसकी फंक्शनैलिटी बट उसकी फंक्शनैलिटी यही होने वाली है तो ये काम करते हैं उसी फंक्शनैलिटी का यूज करके हम लोग इसमें ना एंड का नेक्स्ट पास कर देते हैं यानी कि एंड के नेक्स्ट से लेकर के लास्ट तक क्योंकि एंड तक का काम मैंने कर दिया स्टार्टिंग से एंड तक का काम मैंने कर दिया अब एंड के नेक्स्ट से लेकर के लास्ट तक का तुम करवा के ले आओ और इसमें इंट के इंट के क्यों कर रहा हूं इसमें के पास कर दूंगा इसने अपना काम कर दिया बट इसने कुछ रिटर्न भी कराया इसने रिटर्न कराया है हेड जिसको मैंने अपने बोर्ड में नाम दिया था नेक्स्ट हेड तो बनाते हैं अभी लिस्ट नोड स्टार नेक्स्ट हेड इज इक्वल टू दिस ठीक है नेक्स्ट हेड आ गया और जो मेरी लास्ट नोड है दैट इज एस तो एस से उसको अटैच कर देना है ठीक है एस का नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट हेड ठीक है ये कर दिया उसके बाद फाइनली क्या रिटर्न कराना है रिटर्न कराना है ई वाई ई बिकॉज ई इज द न्यू हेड ये हमारा न्यू हेड है ठीक है ऑल राइट लेटेस सबमिट दिस आई होप कोड बिल्कुल मैंने सेम लिखा है जैसा कि मैंने नोट पैड पर एक्सप्लेन किया था एरर आ गया वर्ड इज द एरर अरे यार मैंने रन करके नहीं देखा तो यार बेसिकली गलती मुझे समझ में आ चुकी है गलती ये है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक का काम मैंने करवाया फिर एंड से नेक्स्ट मैंने रिक्वेजन में पास कर दिया ठीक है लेकिन मैंने जब स्टार्ट एंड को रिवर्स वाले में भेजा ना तो स्टार्ट एंड आपस में चेंज हो गया मतलब पूरे रिवर्स हो गए ना वो कनेक्शंस चेंज हो गए सारे तो कनेक्शंस क्योंकि चेंज हो गए हैं इसीलिए जो हमारा एंड जो पहले था वो अब एंड नहीं रहा है राइट right? जो पहले एंड था मैं उसके आगे से फंक्शन को कॉल करना था लेट मी जस्ट गो टू द नोट पैड फॉर दैट अभी आप यहां पर देख सकते हैं जो स्टार्ट और जो एंड है ये स्टार्ट और ये एंड था इनिशियली तो मुझे यहां से पास करना था राइट right? एंड के नेक्स्ट से मुझे ये चीज करवानी थी बट अभी स्टार्ट और ये और एंड ये हो चुका है तो बाद में मैं रिकर्जन कॉल ना करूं पहले रिकर्जन कॉल कर लूं ट विल भी करेक्ट मुझे रिक्वेजन कॉल पहले करना है मतलब ईकानेक्स्ट e मुझे पहले रिक्वेजन में पास करना है ठीक है तो वही करने वाले हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग यहां से उठाएंगे और इसको पहले रख देंगे ठीक नाउ लेट मी सबमिट दिस डायरेक्टली मैंने सबमिट किया है विदाउट एनी टेस्टिंग या नाउ इट गॉट एक्सेप्टेड एंड यह सही सोल्यूशन है और ये वीडियो थोड़ा सा लेंद ही जा रहा है मुझे पता नहीं फाय शुड स्टॉप हेयर और नॉट

इसका फॉलोअप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले एपिसोड्स में अगले सीजन में एंड जस्ट वेट फॉर दैट ठीक है थोड़ा सा वेट करो इसको हम काफ़ी ऑप्टिमाइज करने वाले हैं सो मीट यू देव थैंक यू